इट्स माई होम, ये मेरा घर है. और रियली जब आप वृंदावन आएंगे तो आपको कहीं और जाने का मन नहीं करेगा. एंड आई एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक रोज़ एक नया फेस्टिविटी का माहौल है. और मैं रोज़ सुबह उठती इसलिए हूँ कि ओके आई हैव टू गो टू मंगल आरती, आई हैव टू चैंट माई राउंड्स, आई हैव टू डू होल ऑफ द मॉर्निंग प्रोग्राम. तो एक उत्साह रहता है हर दिन और मैं बहुत खुश हूँ. वृंदावन को ऐसे ही भक्ति का रस सागर नहीं कहा जाता, अनेकों भक्त यहाँ पर भक्ति करने के लिए दूर दराज से आते हैं. तो आइए हम ऐसे ही एक भक्त से बात करते हैं. राधे राधे. राधे राधे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा दी. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनुष्का. और आप क्या करते हो? मैं यहाँ पर वृंदावन में 2 साल पहले शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं यहाँ पर सेवा करती हूँ और आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन. दी, तो आप वृंदावन पहली बारी कब आए थे और आपका भक्ति करने का कैसे मन करा? ओके, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपका क्वेश्चन है कि मैं बेसिकली कृष्णा कॉन्शियस में कब आई. तो जब लॉकडाउन हुआ था कोविड वाला, तो रामायण महाभारत देख करके बहुत सारे लोग दुनिया में भक्त बने थे, तो उनमें से मैं भी एक हूँ. एंड ऑल्सो हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु के वीडियोज़ एंड अमरेंद्र प्रभु के वीडियोज़, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली. एंड ऑल्सो फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे को एक इंक्लिनेशन था कृष्णा से, तो ये सब एसोसिएशन में भी कृष्णा मैनेज किया उन्होंने कि मैं कैसे वृंदावन धाम में आ जाऊं. सो फाइनली आई एम हियर नाउ एंड आई एम चैंटिंग. एंड दीदी, जैसे आप भक्ति से जुड़े हो, तो भक्ति करनी ही क्यों चाहिए? मतलब एक क्वेश्चन आता है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए? हाँ, भक्ति बेसिकली इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि 4 चीज़ें हम में और जानवरों में कॉमन होती हैं कि स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड ईटिंग. लेकिन एक चीज़ है जो हमें जानवर से अलग बनाती है, वो है भक्ति, यानी भगवान के प्रति सेवा का भाव, डिवोशनल लाइफ. तो अगर हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, तो वी आर इज इक्वल टू एनिमल्स. तो इसलिए भक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है. यस. तो जैसे आप कह रहे हो कि आप 2 साल पहले यहाँ पे आए थे, तो आपके घर वालों ने मना नहीं करा कि तू वृंदावन जा रही है भक्ति करने के लिए, तो पढ़ाई वगैरह ये सब कौन करेगा? मैंने अपने घर वालों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि इससे पहले जब मैं कृष्णा कॉन्शियस नहीं थी, तो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जा कर के फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करने वाली थी. तो मैंने उनसे बोला था कि मम्मी, आप लोग मुझे मटेरियल पर्पज़ के लिए आप मुझे बाहर भेज सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल डिवोशनल लाइफ के पर्पज़ के लिए मुझे वृंदावन क्यों नहीं भेज सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीक पॉइंट था, तो दैट्स वाई उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया. एंड ऑल्सो कृष्णा अरेंजेस, और अगर राधा रानी चाहती हैं तो वो किसी को भी वृंदावन धाम बुला सकती हैं, मुझ जैसे को भी. जी, तो जैसे आपने गले में कंठी माला पहन रखी है और इस चंदन लगा रखा है, तो इसका क्या अर्थ होता है? ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत छोटे एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉग जो होता है वो गले में पट्टा क्यों बांधता है? क्योंकि उसको वो एक मालिक का होता है, वो आइडेंटिफाई होता है कि चलो ये पालतू कुत्ता है. तो ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो गले में कंठी नहीं लगाते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, तो वो दे आर कॉल्ड ऐसे ही बस सड़क पे घूमने वाले कुत्ते. तो लेकिन हम लोग कृष्ण के भक्त हैं और हम लोग की ये आइडेंटिटी है कि हम लोग तिलक और कंठी पहनते हैं. तो ये हम लोग का एक प्राउड मोमेंट होता है जब हम लोग तिलक और कंठी पहनते हैं. तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया, मतलब भक्ति करने के बाद? एक तो भक्ति करने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, और भक्ति करने के बाद आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया कि आप वृंदावन में ही रहने लगे? भक्ति करके एक तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम सब हैं, हम सब लोग एक ही चीज़ की तलाश में हैं, हैप्पीनेस. और चाहे हम भौतिक, चाहे जितनी भी कुछ भी कर लें, फॉर एग्जांपल जॉब कर लें, पैसा कमा लें, अच्छी घर गृहस्थी में रह लें, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती है. मिलती भी है तो बस एक रेगिस्तान में एक ड्रॉप की तरह है, कि एक ड्रॉप पानी की बूंद. बट व्हेन आई एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक रोज़ एक नया फेस्टिविटी का माहौल है. और मैं रोज़ सुबह उठती इसलिए हूँ कि ओके आई हैव टू गो टू मंगल आरती, आई हैव टू चैंट माई राउंड्स, आई हैव टू डू होल ऑफ द मॉर्निंग प्रोग्राम. तो एक उत्साह रहता है हर दिन और मैं बहुत खुश हूँ. और मेरा ख्याल है कि जितने भी भक्त होंगे इस्कॉन के, वो एक बहुत ही अलग लेवल की खुशी का अनुभव करते हैं. लोअर टेस्ट से लेकर के हायर टेस्ट का जब स्वाद मिलता है, तो आप लोअर टेस्ट को अपने आप ही भूल जाते हैं. यस. तो जब आप पहली बार वृंदावन आए थे, तो आपको कैसा फील हुआ था कि मतलब एक जब किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ फीलिंग होती है, तो आपको कैसा फील हुआ था जब आप वृंदावन आए थे? इट्स माई होम, ये मेरा घर है. और रियली जब आप वृंदावन आएंगे तो आपको कहीं और जाने का मन नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल मेरा बेसिकली आई एम फ्रॉम प्रयागराज, लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि आई थिंक इट्स बीन 5 मंथ्स नाउ कि मैं प्रयागराज नहीं गई हूँ. मैं अपनी सिस्टर की शादी के बाद से प्रयागराज ही नहीं गई, क्योंकि वृंदावन के अलावा मुझे कहीं मन ही नहीं करता. ये मेरा घर है,
तो मुझे और कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो दीदी आप भक्ति कैसे करते हो, मतलब आपका डे रूटीन क्या रहता है भक्ति करने का? सो बेसिकली हम लोग का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम है जो कि हमारे फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने दिया हुआ है मॉर्निंग प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट होता है 4:10 से और एंड होता है 9 पे, एंड देन वी हैव प्रसादम। सो वी हैव मंगल आरती, देन वी चैंट अवर राउंड 16 राउंड्स एवरी डे, एंड देन एट 7 o'clock वी हैव हम लोग का श्रृंगार आरती का दर्शन होता है भगवान के सुंदर विग्रहों का। उसके बाद 8 से 9 भागवतम क्लास, देन वी कैन हैव प्रसादम। एंड पूरा थ्रू आउट द डे वी हैव टू मेक श्योर कि हम कृष्णा कॉन्शियस रहें, तो इसके लिए हम बुक्स रीड करते हैं जो कि श्रीला प्रभुपाद ने इतनी सारी सुंदर सुंदर बुक्स बनाई हैं, लिखी हुई हैं। तो ऐसे ही दिन हमारा पास हो जाता है और वी मेक श्योर कि हम ठाकुर जी के लिए भोग अर्पित करें। बेसिकली हम लोग का पूरा दिन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में रहता है। जैसे आपने बताया कि 16 राउंड्स करने ज़रूरी हैं, तो मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस्कॉन में जैसे 16 राउंड्स भक्ति में सबसे पहले करने ज़रूरी होते हैं? 16 राउंड्स, पहली बात तो ये है कि कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन करने को इट्स नॉट लाइक दैट। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब मेरा भक्त जो होता है वो मेरा हर समय भजन करे। लेकिन ये हमारी श्रीला प्रभुपाद की मर्सी है कि हमें सिर्फ 16 राउंड्स करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम दिन भर नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी ऑल्सो हैव आवर ड्यूटीज़, जॉब जाना है, ऑफिस जाना है। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू चैंट द होली नेम थ्रू आउट, लेकिन 16 राउंड्स करने से अपने 24 घंटे में 2 घंटे जब हम कृष्ण को दे देते हैं, तो हमारे जो बचे हुए 22 घंटे होते हैं वो बहुत ही कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि कृष्ण कृपा करते हैं कि अच्छा इस भक्त ने मेरे 2 घंटे मेरे लिए नाम जप किया है, तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको पूरा दिन अपना स्मरण देता रहूं। जैसे आप यहां पे इस्कॉन में रहते हो, तो यहां पे कुछ सीखते भी हो? जी, फॉर एग्जांपल हम लोग सेवा करते हैं, तो सेवा कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टिचिंग की सेवा है, ठाकुर जी के वस्त्र की सेवा है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे नहीं पता था कैसे होता है, लेकिन आई मेड श्योर कि मैंने लर्न किया उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ठाकुर जी की सेवा के लिए सीखा है। और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, आपके अगर अगर हॉबीज़ हैं जो कि लाइक पेंटिंग, डांसिंग, एक बहुत ही स्पिरिचुअल हॉबी होती है कि मृदंगा सीखना, हारमोनियम सीखना, कीर्तन करना, तो आप ये भी सब सीख सकते हैं। यस, तो आप ये सब मतलब सीखते और बजाते हो? यस, आई ट्राई टू, ये मेरा बहुत एक शौक है, हारमोनियम और भगवान के लिए कीर्तन करना। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्ण।